नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसपी से शिकायत करना दलित युवक को पड़ा भारी, एसओ राजपुर कपिल दुबे ने उतारी खुन्नस सारी। योगी पुलिस का कारनामा आया सामने, पीड़ित ने रोते हुए बयां की दास्तां। पीड़ित युवक ने थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया, एसओ कपिल दुबे का कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा कानून मेरे हाथ में है। जी हां, आपको बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र के दबंग ठाकुर युवकों के द्वारा दलित युवक की पिटाई की गई थी। दलित युवक ने युवकों की शिकायत राजपुर थाने में की। थाने में शिकायत करने के बावजूद भी युवकों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते दलित युवक ने एसपी कानपुर देहात केशव कुमार चौधरी से लगाई न्याय की गुहार। युवक द्वारा एसपी से शिकायत करने से खुन्नस खाए एसओ राजपुर कपिल दुबे ने दलित युवक को थाने बुलाकर पट्टे से की बहराने से पिटाई। दलित युवक ने बताया, जिस पट्टे से हुई थी पिटाई उस पट्टे में लिखा था, आन मिलो सजना फिर कब मिलोगे। जहां एक ओर सूबे की योगी सरकार पुलिस को आदेश देती है कि वह पीड़ितों के साथ मित्रता पूर्वक पेश आए, वहीं एक ओर थाने के एसओ द्वारा दलित युवकों को चमड़े के पट्टे से मारपीट करते हुए फद्दी फद्दी गालियां देने का एक ऑडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। कहां रहने वाले हैं? तमनपुर। आप सब, क्या घटना हुई है? सर, मुझे यहाँ पे बुलाया गया, मेरे साथ अभी मंगलवार को मारपीट हुई थी, जो कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने मारा। क्या नाम उनका? जयप्रकाश और प्लस क्या नाम जयदीप। इन दोनों के माध्यम से मेरा माला भी वहाँ पर टूट के गिर गया और मैंने एसओ साहब को बताया आके, यहाँ पे थाने में आके मैंने तहरीर भी दी, जिसमें कि यहाँ पे 3 दिन हो गए, यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जब मुझे आज मैंने एसपी साहब से बोला तो यहाँ पे मुझे बुलाया गया और फिर मेरे साथ इनने मारपीट की, जिसमें मुझे पट्टों से मारा है, जिसमें लिखा था सर कि आन मिलो सजना। तो सर, मेरे साथ इतनी मारपीट की गई है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। किस बिरादरी से हैं आप? सर, मैं जाति चमार से हूँ सर। जिन लोगों ने लड़कों ने मारा था वो किस बिरादरी के थे? ठाकुर हैं सर। जब आपने शिकायत की तो आपको यहाँ भी मारपीट की गई? जी सर। मारपीट करने वाले जो मारपीट की है पट्टे से, वे कौन बिरादरी के हैं? वो सर साथ में पंडित सर हैं, वाजपेयी जाना त्रिपेठी ऐसे ही हैं सर। वो मुझे गाली गलौज दे रहे थे, कह रहे थे मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, प्रशासन भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा था? ये एसओ साहब बोल रहे थे। किस थाने के? ये राजपुर थाने के सर। मोबाइल ले लो तो बैठा लो, मुकदमा की जेल भेजेंगे इसको। ज्यादा बड़ा नेता हो गया ना। मेरी बात सुनो यार, मैंने बात कर रहा है जिसे बोल दिया, इतना मारूंगा गिरा के 2 मिनट तक हालत खराब कर दूंगा। आराम फोर कहेगा, क्या सोच रहा है तू? मेरी बात तो सुनो यार, चला बना बिल्ली जैसा मुंह घूम रहा है, लपर लपर करते हुए मुद्दा बना रहा है तू, बकरा तेरा। अभी यहाँ बैठ गया फिर तेरा फोन शुरू कर दिया। हमने ज्यादा फोन बाज हो गया सर, मेरी बात तो सुनेंगे। क्या कहेगा? अपने जो हमारे मतलब वो है ना सुनील यादव जी, मैंने उनको बताया था कि नेता है ना तू, साले चूतिया, साले मैं तेरा पक्ष ले रहा था, सोच रहा तू सही आदमी है, लेकिन प्रधान जी के भी पैसे का मैं गया था, पूछ लो आपकी, आप मैं गया था कि नहीं गया? साले गंदा आदमी निकला, मैं तो तेरी हमदर्दी में गांव तक गया, मैं खुद गया, मैंने किसी भेजा नहीं, मैं समझा तू सही आदमी होगा, तेरी मदद करूंगा, लेकिन तू तो साले आश्रम के साथ जैसा निकला, बिल्कुल इतना गंदा आदमी, तू साले अंतर मन से गंदा है, इसका मतलब आप सर गलत सुनते हैं, बिल्कुल सर सही सोच रहा हूँ। आप एक बार तुमने साले कल 20 बार फोन मिलाया, अभी आया, अभी बात हो गई, चलो ठीक है, उसको बुलाया जाएगा, डांट दिया जाएगा, तू साले उसका मुद्दा बनाते घूम रहा है, तेरे पास और दूसरा काम है नहीं, सुबह से तुमने छिछली मांग निकल पड़ा उस नेतागिरी करने के लिए, 50 जगह फोन मिलाने के लिए, बहुत बड़ा नेता हो गया तू, आप बात नहीं सुन रहे, मैंने कल ने बोल दिया था, बात तो सुना हो मैंने, आप बात ऐसा